हेलो एवरीवन। अरे अरे अमित, तुम कब आए बेटा? बस आज ही सीधा यहीं आ गया, मम्मी पापा की खुशियों का हिस्सा बन। बहुत अच्छा किया, इसका मतलब इस बार भावना को साथ लेकर ही जाओगे। जी सोचा तो यही है। युवराज, थैंक यू सो मच। देखो आज तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हें पता आज कितने दिनों के बाद मैं अपने ससुराल जाते वक्त इतना खुश फील कर रही हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लता। शुक्रिया माँ जी, लेकिन ऐसे नहीं, अच्छे से आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सौम्या बेटा, तुम्हें खुश देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अतीत की गलतियों का दर्द हम सौम्या के आसपास भी फटकने नहीं देंगे। देखा सौम्या, माँ जी तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती है। सौम्या अब आपकी बेटी की दोस्त ही नहीं, हमारी भी बेटी जैसी है। थैंक यू दादी। मुझे इतना प्यार देने के लिए। युवराज समोसे खा लो। सुहानी तुम्हें पता है ना, मैं समोसे नहीं खाता। क्यों नहीं खाना, खा लो ना। श्योर। प्रतिमा जी, सुहानी ने तो आपकी तबीयत के बारे में हमें बताया ही नहीं। माँ को मैं सर्व करूंगा। नहीं तुम खा लो ना, हम दे देंगे। तुम्हारी मम्मी माँ की तबीयत के बारे में पूछ रही है, तुमने बताया नहीं उन्हें कि क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है कि युवराज मम्मी जी की तबीयत को लेकर ना बहुत घबरा जाता है, इसलिए मम्मी जी के खाने पीने का और देखभाल का सारा जिम्मा उसी ने उठाया है। सुहानी क्या हुआ है, और तुमने हमें प्रतिमा जी की तबीयत के बारे में बताया नहीं? अभी भी कुछ अजीब सा क्या हुआ है सुहानी? नहीं नहीं लता, वो क्या है, प्रतिमा को भूलने की आदत है, तो वो दवा लेना भूल जाती है, अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए घर वालों को उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। डॉक्टर ने भी हफ्ते भर का आराम बोला है, इसीलिए युवराज कुछ ज्यादा ख्याल रख रहा है अपनी माँ का। हम माँ के लिए पानी लेकर आते हैं। सुहानी मेरी देखभाल कर रही है ना, करने दे उसे। माँ जब मैं हूं तो मुझे करने दो ना।
युवराज और आपकी बेटी के बीच झगड़े शुरू हो गए हैं। फिलहाल कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर मामला गंभीर हुआ तो कुछ करना होगा। मम्मा जी, हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी कैसी है, पर हमारा पोता युवराज बहुत गर्म मिजाज है। उसे छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से की वजह से उसने कई उल्टे सीधे फैसले ले लिए, जिसके लिए बाद में उसको पछतावा भी हुआ। माँ जी, हम आपका मतलब नहीं समझे। मामूली से झगड़े कहीं इन दोनों के रिश्तों के बीच दूरी ना पैदा कर दे। हमें इस बात की बहुत चिंता हो रही है, और तुम तो माँ हो, हम तुम्हारी चिंता समझते हैं लता। जो एक नजर में बेटी और दामाद के बीच के तनाव को समझ गई। अब तुम्हें बताओ लता, कि आगे क्या करना है? आप बताइए ना, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर दो लोगों में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगे तो सबसे सही तरीका क्या होता है? या तो दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, या तो दोनों को सामने बिठाकर बात कराई जाए। कह तो सही रही हो तुम, लेकिन हमने बताया ना, हमारा युवराज बहुत गर्म मिजाज है। उसे अगर बिठाकर कोई बात की जाए तो उसे और गुस्सा आता है। तब तो एक ही रास्ता है कि कुछ दिनों के लिए युवराज और सुहानी को एक दूसरे से अलग रखा जाए, ताकि उन्हें एक दूसरे की अहमियत पता चल सके। ऐसे में वो लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि उनकी अच्छी यादें याद करेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो लता, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा उन दोनों को अलग करने का। और वैसे भी तुम्हारी बेटी ऐसे ही तो नहीं रुकेगी यहाँ, तो कोई तरीका सोचना होगा सुहानी को यहाँ रोकने का, क्योंकि सामने से कहने पे सुहानी मानेगी नहीं। हमने तो सच की तस्वीर दिखा दी लता तुम्हें, अब युवराज और तुम्हारी बेटी के रिश्ते को बचाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आपके पति देव हाथ धो दें तो आप टॉवल पकड़ के खड़ी होंगी, हम अपने पति को देखें। जमीन पे गिर गया, तो इसे यूज नहीं करोगे, हम दूसरा ले आते। नो, इट्स ओके। क्या हुआ बेटा? तो कुछ नहीं पापा, बस वो ये आईना यहाँ टूट के गिर गया। दादी, शीशा टूटना तो अपशगुन होता है ना? अरे नहीं नहीं रागिनी भाभी, ये अपशगुन नहीं, ये तो बहुत अच्छा शगुन है। इसी बहाने मम्मी शॉपिंग पे जाएंगी और यहाँ नया आईना लगेगा। क्या सोचा? माँ जी, आपकी बात तो सही लग रही है, लेकिन मैं क्या करूं?
कोई ऐसी मजबूत वजह दे दो उसे यहाँ रुकने के लिए, वो भी बिना बताए कि तुम्हें सब कुछ पता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।